गाइस वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। जी हाँ, इंडिया का रेलवे स्टेशन, हम तो देखकर दंग रह गए। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। तो अभी हम हैं भारत के आईटी हब बैंगलोर में, और जैसा कि ये शहर अपने नए नए मॉडर्न इनोवेशन के लिए जाना जाता है, आज हम इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आज हम 4200 स्क्वायर फीट और करीब 350 करोड़ की लागत से बने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो बैंगलोर में और भी खूबसूरत स्टेशन हैं, पर ये रेलवे स्टेशन सबसे अलग होगा। तो बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन का नामकरण जो है ना, वो भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से हुआ है। और ये एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। तो चलिए आज स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, और ये स्टेशन सच में वर्ल्ड क्लास है, तो बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। और रेलवे स्टेशन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करें स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए बस स्टैंड जो है वो मिल जाता है, और अगर आप अपने बाइक या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है, तो बिल्कुल पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कनेक्टिविटी फिलहाल अभी तो उतनी नहीं है स्टेशन के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर डेज में, आने वाले और दिनों में जो कनेक्टिविटी है स्टेशन तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस और नॉर्मल जो ऑटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। वाओ, और अंदर आते ही सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे लगी वो ये टिकट काउंटर, क्योंकि नॉर्मल जो टिकट काउंटर होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, उसके तुलना में ये काफ़ी खूबसूरत है। और नॉर्मली ऐसे टिकट काउंटर देखने की आदत नहीं होगी सभी को, वाकई में ये टिकट काउंटर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और हाँ, अगर आपको बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं निकाल ली है, तो आप यहाँ पर आकर के अपना टिकट जो है वो निकाल सकते हो। ये लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास का टिकट जो है वो यहाँ मिलता है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग हॉल जो है वो टिकट काउंटर के सामने मिल जाता है, और एक और वेटिंग हॉल लेडीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। बट फिलहाल अभी इसमें कुछ काम चल रहा है, तो अंदर नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ बाहर से आप देख लो, ये लेडीज़ के लिए एक वेटिंग हॉल अलग से बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्टेशन की साफ़ सफ़ाई, ज़ाहिर तौर पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, तो साफ़ सफ़ाई तो बहुत ही उम्दा रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको डस्टबिन जो है वो हर कोने मिल जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गंदगी जो है उसका कोई स्कोप ही ना रहे। तो जस्ट टिकट काउंटर के बगल में आपने देखा कि वहाँ पे चेयर लगे हो, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, लेकिन एक सेपरेट वेटिंग हॉल जो है ना वो भी बनाया गया यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये कैसा है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हालांकि सीटिंग कैपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पे, नहीं इस तरफ भी है, और आराम से 60-70 लोग जो है वो यहाँ बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि बिल्कुल आपकी सीट के पास में ना ये चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिए गए हैं, तो आप अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन USB के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो, बैठने के लिए तो व्यवस्था बहुत ही उम्दा है, अब थोड़ा देखते हैं कि रेस्ट रूम कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल जैसा आप मॉल्स में देखते हो ना रेस्ट रूम, बिल्कुल वैसी A1 फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ऊपर का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। यार वैसे तो जब हम स्टेशन के बाहर थे ना, तभी इसको देख के लगा बिल्कुल आप किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना, तो अंदर आते ही आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि आप कोई रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि आप एयरपोर्ट पे आए हो। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लग रहा है, इतना शानदार और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। एक बात है कि अगर आपको इस तरफ ट्रैक जो है वो नहीं दिखते ना, तो बता पाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट, इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है बनाया गया इसको। और एक और चीज़ है, जब आप ऊपर आते हो ना, तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिलहाल आपको IRCTC जो है उसका फूड कोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, और जैसे जैसे स्टेशन और डेवलप होगा ना, वैसे वैसे आपको यहाँ पे और भी जो आउटलेट्स है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ IRCTC का जो फूड कोर्ट है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आपको एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करना है, तो आप लिफ्ट का यूज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हो।
और उस तरफ आपने देखा वहाँ पे भी फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है, और इस तरफ अगर आप अपोजिट साइड पे आते हो तो यहाँ भी आपको IRCTC का जो फूड ट्रैक है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल बंद है, कुछ आपको यहाँ मिलने नहीं वाला। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, आपने नीचे देखा कि वेटिंग हॉल में ना आपको अपने सीट्स के पास में बिल्कुल जो सॉकेट्स हैं फोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं, वैसे ही आपको ऐसे स्टेशन के कोने कोने में फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे अपने फोन जो है ना वो चार्ज कर सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं ऐसा है, बल्कि स्टेशन के कोने कोने में चार्जिंग के लिए ये चीज जो है वो मिल जाती है। तो चार्जिंग की दिक्कत ना आपको स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली, जगह जगह पे आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। और एक चीज़ की मैं और दाद देना चाहूँगा वो ये कि स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया में तो वॉशरूम मिलते ही मिलते हैं, बाकी दोनों ही कॉर्नर्स में आपको, यानी कि इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में आपको जो वॉशरूम्स है वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, स्टेशन पे आपको ना 7 प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो इंडियन रेलवे में आपको FOB जो है ना वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो FOB बनी है वो सही में बहुत ही कमाल की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगे हैं, सेंसर के थ्रू सब कुछ खुल जाता है यहाँ पे। और ये आप देखो, मतलब तो एक बात तो है कि अगर आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ रही हो ना तो भी आप इस FOB पे आओगे सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि वाकई में इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स है वो नहीं दिखे, साथ ही साथ मुझे लगे शायद यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। वाकई में ये सारी फैसिलिटी देख करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, सब कुछ तो हमने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलती है वहाँ पे। ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। यार सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी ना कि प्लेटफॉर्म पे आपको बैठने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। मतलब जगह कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट ठीक से नहीं है ना तो फिर पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। तो ये पैसेंजर की सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। और एक और चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बैठे बैठे अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे भी लेट है तो आप आराम से यहाँ बैठ करके अपना टाइम जो है वो काट सकते हो, अदरवाइज वेटिंग हॉल बने हुए इतने खूबसूरत वहाँ जाके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि पानी पीने की व्यवस्था क्या यहाँ पे, तो ये चीज़ है, आपको पानी पीने की फैसिलिटी जो है वो यहाँ मिल जाती है देखने को। और एक और चीज़ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाने के लिए आपको FOB तो मिलती है, साथ ही साथ एक खूबसूरत सा अंडरपास जो है ना वो भी मिल जाता है। तो हाँ, एक चीज़ तो है कि FOB पे आपको जो एस्केलेटर्स थे और लिफ्ट थी वो तो नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम सामान है, बहुत सामान है, तो आप इन अंडरपास का यूज़ कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकते हो। जैसे हम सबवे के अंदर है ना, तो ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि वाकई में यार ये कुछ नया बनाया गया है। बिल्कुल जो खाली सबवे होते हैं ना हमारे इंडियन रेलवेज में, उनकी तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो कर्नाटका के पूरी जो कल्चर है ना वो यहाँ पे शोकेस किया गया है। बहुत आला। तो बिल्कुल आपको बगी की सर्विस जो है वो भी मिल जाती है स्टेशन पे, 15 रुपये पर हेड आपको देना होगा और आप स्टेशन के अंदर जो है वो इससे जा सकते हो। और आज फर्स्ट टाइम एर्नाकुलम बानसवाड़ी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलने वाली है, और हमने भी इस ट्रेन में अपना टिकट जो है वो किया हुआ है, लेकिन हाँ सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आपने देखा पूरा स्टेशन का रिव्यू, बाकी हमारे दोस्त लोग भी यहाँ पे आए हुए थे तो अब इनका रिव्यू जो है वो भी देखते हैं। भाई कैसा लगा स्टेशन? काफ़ी मस्त लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा फुल्ली एयर कंडीशन एयरपोर्ट लाइक स्टेशन देखा, काफ़ी मस्त लगा। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगा ना, बिल्कुल लग रहा है रेलवे स्टेशन है। सर बताओ ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, एयरपोर्ट और इसको कंपेयर किया जाए तो ये बेहतर लग रहा है कंडीशन। वाओ, ये अच्छी बात कही आपने। रेलवे का जो ये प्रॉपर जो मतलब अपग्रेडेशन है, AC स्टेशन पूरा, ये बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, ये मल्हारा आपका चैनल का नाम क्या था? MK Vlogs। सौरभ भाई मुंबई से आए थे, मुंबई कर हैं और ये पुणे कर हैं, और ये तो हमारे पता नहीं कौन से करे कहाँ रतलाम से, इनको जानते होंगे आप लोग। चलिए फिलहाल यहाँ से अपना डिपार्चर बस होने वाला है, छोटी जर्नी करने वाले हम लोग इस ट्रेन में, पहली बार स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलने वाली है,
चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है ना वही मार लेते, तो स्टेशन पे आए और बिना ट्रेन राइड किए चले गए, तो भाई बिल्कुल बुरा लगेगा, अधूरा सब कुछ अधूरा है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है वही मार लेते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और स्पेशली बिहार से ऋषि सर भी आए हुए हैं। सर, तो आपको ये स्टेशन कैसा लगा? रेलवे स्टेशन? हाँ, स्टेशन नहीं बोलिए भैया, इसको एयरपोर्ट बोलिए। वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा रहता है ना वैसा है। मैं जस्ट कल आया हूँ पटना से बैंगलोर, तो बैंगलोर का एयरपोर्ट मैंने मुझे लगा फिर मैं एयरपोर्ट पे आ गया क्या, लेकिन सही में आपने देखा होगा संदीप भाई का वीडियो और हमारे वीडियो में देखा ही होगा, सही बहुत ही अच्छा। मतलब आप एक बार विजिट कीजिए, एक मुझे लगता है टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। और इस खूबसूरत स्टेशन के बनने में इन सभी लोग का बहुत ही बड़ा हाथ था, तो इन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है। और जैसे जैसे शाम ढल रही है ना, वैसे वैसे ये स्टेशन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। क्या नजारा है यार, बहुत आला। तो अगर लॉजिकली बात करें तो ये मेमू ट्रेन पहली पैसेंजर ट्रेन बन गई है जो इस स्टेशन से डिपार्ट हुई। अरे कितने इनोसेंट लोग थे वो लोग, मतलब उनको पता ही नहीं कि हमारी जर्नी जो है वो सिर्फ नेक्स्ट हॉल तक होने वाली है। बाकी चलो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज था, बहुत उत्साह था इसको लेकर के। इस नए रेलवे स्टेशन का आज पहला दिन था, 2 सालों बाद आज पहली बार इसको खोला गया पब्लिक के लिए, पहली ट्रेन जो है वो निकली यहाँ से। फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, देख कर लग ही नहीं रहा था कि ये रेलवे स्टेशन है, ऐसा लग रहा था कि ये इंटरनेशनल लेवल का ना एयरपोर्ट है। वैसे कमाल है मोदी जी के, हम ऐसे तो नहीं कहते कि हम उनके फैन है, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी के फैन है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मजा ही आ गया, कमाल कर दिया है इंडिया ने यार, हिंदुस्तान ने कमाल कर दिया है। इस तरह का फुली यानी कि एसी, फर्स्ट एसी जो वर्ल्ड क्लास लेवल का आपने रेलवे स्टेशन बना के दिखा दिया, और ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई एयरपोर्ट हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। बेंगलोर क्या बात है, आप इसमें कोई शक नहीं है, एक बेंगलोर दुनिया का एक बेहतरीन शहर है। और इसके अंदर जो सहूलतें आप देख कर ना, मैं वाकई कह सकता हूँ कि आप देखेंगे तो इंजॉय करेंगे। और हम यहाँ एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर जब हम ये वीडियो आपके साथ देख रहे थे तो मजा आ रहा था यार, देख कर ना आपकी मेहनत नजर आ रही थी, पूरे इंडिया की मेहनत नजर आ रही थी। ठीक है, एक अच्छी लीडरशिप काम कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं इंडिया के, और क्यों ना हो, देखे ना पूरा इंडिया एक विजन पे चल रहा है। 2040 से 50 के दरमियान इंडिया ने दुनिया का एक बेहतरीन डेवलप कंट्री बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, मेहनत हो रही है और ये मेहनत नजर आ रही है। यकीन माने बहुत मजा आया जब इन्होंने कहा ना कि यार यहाँ पर जो है कर्नाटका राज्य से रिलेटेड सीनरीज जो गैलरी में मौजूद थी वो दिखाई, वो भी मुझे बहुत प्यारा एक अच्छा कंसेप्ट लगा कि आपके जो वाल पेपर्स हैं वो सारे हिस्टोरिकल हैं, उससे आपको आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड मजीद टच मिलता है। ठीक है, और जो चार्जिंग सॉकेट्स दिखाई गई कि आपको हर जगह चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये भी बहुत अच्छी है। और जब वो रेस्ट रूम दिखा रहे थे तो मैं ऐसे लग रहा था जैसे कोई सी 5-स्टार होटल के अंदर खड़े हो, ये कोई रेलवे स्टेशन ना हो। यकीन माने अगर, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तानी में रेलवे स्टेशन की बात करें तो आज भी वही घिसे पीटे जो अंग्रेजों के दौर के थे वही खड़े हैं, और कोई उनकी रीडेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन इंडिया ने तो एक ऐसा इनकलाबी काम करके दिखा दिया पाकिस्तानियों को जो हम देखकर बड़े हैरान और दंग रहे हैं। ठीक है, मतलब
लग नहीं रहा था कि ये एक रेलवे स्टेशन है, लग रहा था कि वाकई यार जिस तरह वीडियो में हमारे ब्लॉगर भाई कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा है। तो वाकई यार माइंड ब्लोइंग, बहुत आला, इतना डेवलप और बेहतरीन इंडियन रेलवे स्टेशन देख कर ना मैं कहता हूँ मजा ही आ गया यार, बहुत आला। बल्कि मैं कहता हूँ बेंगलोर सिटी से लेकर पूरे हिंदुस्तान को कि इस तरह के जो आपके रेलवे टर्मिनल हैं, स्टेशन हैं, इसी तर्ज पर बनाएं, क्योंकि जिस तरह वंदे भारत जैसी ट्रेनें आप बनाकर पूरी दुनिया को भी दे रहे हैं, पूरे इंडिया हिंदुस्तान में चलाने लगे हैं, तो टर्मिनल भी इसमें कोई शक नहीं वर्ल्ड क्लास लेवल के होने चाहिए। और मेरे ख्याल में जहाँ से हिंदुस्तान ने, इंडिया ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की शुरुआत कर दी है, आपको मुख्तलिफ अदर सिटीज में भी इस तरह के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, ये हमें तो लग रहा है। और आप क्या समझते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लग रहा? अगर आप हमारी वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।